एक्टिव न्यूज चैनल। खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं अहम खबर शरह। इंटेग्रल फाउंडेशन स्कूल वाक़ आगापुरा में आज फूड कार्निवल मनाया गया। तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ अकसाम के जायकेदार डिशेस तैयार किए। मेहमान खुसूसी DI हबीब नगर और जनाब मंसूर कलीम CEO IFS स्कूल्स, शेख अजमत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शेख अब्दुल आला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा प्रिंसिपल श्रीमती P जया लक्ष्मी थे। Students have prepared delicious food, homemade food. The intention of this carnival is that they should educate the parents the importance of fresh food and homemade food, how to avoid junk food. The common diseases which are caused by junk food is the main reason. What we are eating is not healthy. If children eat healthy things, इस कार्निवल का एक अहम मकसद ये है कि बच्चों और पेरेंट को ये बताना है कि हेल्थी ग़िज़ा के क्या फ़ायदे हैं। हेल्थी ग़िज़ा और फ्रेश ग़िज़ा खाने से बच्चों का हेल्थ भी अच्छी होती है और वो लोग स्टडीज़ की तरफ अच्छा एक तरह से ध्यान दे सकते हैं। तो हमारे बच्चे यहाँ पर 65 स्टॉल्स लगाए हैं। इन स्टॉल्स में वो लोग होममेड फूड बनाए हैं और सब डिलीशियस फूड बनाने का वो लोग एक तो तरीक़ा भी सीखे हैं। इससे बच्चों में अपने पेरेंट की हेल्प करना और जो भी वो लोग सीख रहे हैं उसका यूज़फुल क्या है, यूजेस क्या है, वो भी बच्चों को हमको समझ में आ रहा है। इससे बच्चों में बिजनेस एथिक्स भी पैदा होंगे और हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे बच्चे। थैंक यू।